चलिए दोस्तों, मैं हूं अमित खुराना और एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल फिजिक्स बाय अमित खुराना सर। और दोस्तों, जैसा कि पता है भाई आपको, हरियाणा बोर्ड की 2023-24 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं भाई, उसकी डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है और जो डेट शीट है भाई वो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, आई थिंक आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी काफ़ी अच्छे से, विंटर वेकेशन आप लोगों के चल रहे हैं और आपके पास पूरा टाइम है दोस्तों अपने पेपर की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, आपके लिए कुछ एक हम क्वेश्चंस कह लो लेके आए हैं भाई, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है भाई, ये आपके अवेलेबल हैं भाई आपकी बोर्ड की साइट के ऊपर, किस फॉर्म में, सैम्पल पेपर्स की फॉर्म है भाई। आपको चार कॉर्ड है वो हर पेपर के अवेलेबल करवा दिए गए हैं अभी HBSC की साइट के ऊपर। तो हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं, अभी बताइए आपको फिजिक्स का डिस्कस करने वाले हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसके चार कोड हैं और चारों के चारों जो कोड हैं यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो इस बार आपको एक चीज और पता होगी भाई, जो पेपर का पैटर्न है वो नया पैटर्न है भाई, जो हमारी गवर्नमेंट या हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ने आपका साइट पर डाल दिया गया है भाई। सैंपल पेपर की हेल्प से आपको क्लियर हो गया होगा जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो क्या आने वाला है भाई। पेपर का जो पैटर्न है दोस्तों वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या क्या है भाई वो डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो हमें जनरल इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में दिया गया है, तो फर्स्ट हमें क्या बता रहा है कि इस पेपर में टोटल आपके पास कितने आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। जैसे आप पेपर को देखते हो तो आपने जो जितने भी क्वेश्चन है वो काउंट कर लेना 35 है या नहीं है। जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं अभी सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए कंपल्सरी है भाई, ठीक है भाई। और जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है अभी, इस पूरे पेपर के अंदर आपके टोटल 5 सेक्शन बनाए गए हैं बाय द नेम ABCDE। तो ये 5 सेक्शन बनाए गए हैं, ये आपके मार्क्स के बेस के ऊपर बनाए गए हैं भाई आपके। तो जब भी आपको पेपर मिले तो पेपर में अच्छे से चेक कर लीजिए इसमें आपके 5 सेक्शन है या नहीं है भाई। उसके बाद क्या दिया गया अभी, सेक्शन ए के अंदर क्या दिए हुए हैं, 1 से 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके MCQ आएंगे। अब MCQ में क्या आने वाला है भाई, बता दूं आपको मैंने, यहाँ पे आपके पास होने वाला है अभी 14 प्लस 4 से क्या मतलब है भाई, यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन आपके आएंगे देखने को मिलने वाले हैं आपको, ये हमें देखने को मिलेंगे भाई आपके MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिंपली आपको एक क्वेश्चन चार ऑप्शन दिए होंगे, और जो ये चार क्वेश्चन आएंगे आपके भाई, ये आपको दिखाई देंगे इसकी फॉर्म में भाई, असेशन की फॉर्म में और रीजन की फॉर्म में। मतलब आपको दो स्टेटमेंट दी होंगी और उनके चार ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना होगा कि वो कौन सी करेक्ट है। नीचे जब क्वेश्चन करवाएंगे तो क्लियर भी हो जाएगा कि इसका मतलब क्या रहता है अभी, जिन्होंने किया वो अंतिम उनको बेटर पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर या सेक्शन बी आएगा जो पांचवा पॉइंट हमें दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे भी 19 to 25, 19 से लेके 25 तक क्वेश्चन आएंगे। टोटल हमारे पास कितने आने वाले हैं अभी, 7 क्वेश्चन आने वाले हैं जो दो दो नंबर के आने वाले हैं। बच्चे इनमें भी आपको चॉइस मिलने वाली है, दो क्वेश्चन में चॉइस मिलने वाली है और आपके जो 5 क्वेश्चन है वो कब बढ़ती रहेंगे भाई। अगर हम आते हैं सेक्शन नंबर 6 के ऊपर आते हैं भाई, ठीक है भाई, इसमें आपको क्या दिया हुआ है भाई, 5 क्वेश्चन और 3-3 नंबर के आने वाले हैं, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी, ठीक है भाई। 3 क्वेश्चन कंपल्सरी रहेंगे जो करने ही कर रहे होंगे, 2 में आपको चॉइस मिलेगी, जो आता होगा उसको आप ट्राई कर सकते हैं भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्शन डी की भाई, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 5 नंबर के मिलेंगे भाई, सॉरी 31 और 32, केस स्टडी का क्वेश्चन है आपके पास ये, जो मिलने वाले हैं आपको 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो टोटल क्वेश्चन आएंगे बच्चे आपके 5-5 आएंगे। और जो केस स्टडी है इसमें आपके बच्चे दो चीजें पॉसिबल है, हो सकता है कि आपको MCQ पूछ ले या 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। एग्जामिनर के ऊपर है भाई, जैसा पूछा इसको वैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको 2 MCQ मिल जाए, 1-2 नंबर का मिल जाए, 2 MCQ मिल जाए, 2-1 नंबर की मिल जाए, 4 MCQ मिल जाए, 4-1 नंबर के मिल जाए, 2, कुछ भी पॉसिबल है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 आपकी केस स्टडी मिलने वाली है। केस स्टडी आई थिंक आपको बेटर पता होगा भाई, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ के बेस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे भाई। बात करते हैं अभी 8 पॉइंट की, सेक्शन ई की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 33 से लेकर 35 तक 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको तीनों में ही चॉइस मिलने वाली है अभी, ठीक है।
तो आई थिंक पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज कर दिया गया है इस बार सीबीएसई की तरह, जो आपका पैटर्न आने वाला है एग्जाम का भाई, ठीक है ठीक है, लेकिन जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इजी आएगा एज कम्पेयर टू सीबीएसई। सीबीएसई लेवल को फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ उसके जो एग्जाम का पैटर्न है उसी को ही फॉलो किया जा रहा है भाई, ठीक है भाई। और नाइन्थ पोर्शन में हमें क्या कह रहा है भाई, हमें जो इंटरनल च्वाइस दी गई है उसमें से सिर्फ आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं भाई, ठीक है। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज, ये आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि कैलकुलेटर का कुछ भी यूज हमारे एग्जाम में नहीं होता है, तो आपको कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है भाई। आई थिंक ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन आपको बोर्ड के पेपर पे दी हुई मिलने वाली है भाई, ठीक है। तो पहले सबसे पढ़ लेना, अपने पेपर को देख लेना भाई, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, ठीक है, और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं भाई आपकी क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आने वाले हैं भाई। जिस स्टूडेंट्स को ये पेपर करने हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है भाई। और अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना कि वो इस चैनल को ज्वाइन कर ले। आपको खाली पेपर ही नहीं करवाएंगे यहाँ पे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो सब्जेक्टिव है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, चाहे हमारे पास वो केस स्टडी के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, चाहे हमारे पास वो क्वेश्चन आ रहे हैं असेशन और रीजन के, जो इस बार आपके लिए काफी टिपिकल पैटर्न रहने वाला है, अभी वो रहने वाला है असेशन और रीजन का भी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है जो आपने स्टार्टिंग में कभी नहीं पढ़ी है, केस स्टडी भी काफी पढ़ी है, तो इनको आपने ज्यादा फोकस करना है भाई, अच्छे से फोकस करना है। ऑनलाइन तो आपको मैं करवाने वाला भी हूँ भाई, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा। अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो वो भी आप कर सकते हो भाई, ठीक है। ऑफलाइन में आपका टोटली बैकअप रहेगा, प्लस जितना भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, लगभग हम जो फोकस करने वाले हैं वो करने वाले हैं अभी क्वेश्चंस के ऊपर, हर तरह के क्वेश्चंस के ऊपर करने वाले हैं अभी, हम कंसंट्रेट करने वाले हैं अभी, ठीक है अभी। तो इसको देख लेना अभी, हम नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं भाई किसके बारे में, पूरे पेपर के बारे में।